नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। ग्वालियर में 18 जुलाई से 31 अगस्त तक 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर जिले में अभी 12,30,000 व्यक्तियों के बूस्टर डोज बकाया है। ऐसे सभी व्यक्तियों को तुरंत बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। अभी महानगर में 50 सरकारी संस्थानों द्वारा वैक्सीनेशन डोज लगाया जा रहा है। शीघ्र ही प्राइवेट चिकित्सालयों में भी यह सुविधा निःशुल्क की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के ना रह पाए, इसलिए सभी संस्थानों और सभी नागरिकों से अपील है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वैक्सीनेशन का एक्स्ट्रा डोज लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। हाँ, ये टीकाकरण अभियान अपना चालू हुआ है। इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जितने भी हमारे 18 साल से 60 साल तक के लोग थे, सबको अभी निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज निःशुल्क लगाया जाएगा। ये बहुत ही गर्व की बात है। और अभी हमारे ग्वालियर में 12,35,000 करीब लोग हैं जो ड्यू, जिनको लगना है बूस्टर डोज, तो ये लोग अवश्य लगवाएं और निःशुल्क है, बिल्कुल लगवा सकते हैं सारी सरकारी संस्थाओं में। और धीरे धीरे हम लोग प्राइवेट निजी अस्पतालों में भी इसकी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, जहाँ पर ये निःशुल्क आप जाके वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। और जैसा आपको पता है कि कोविड के केसेस अभी बढ़ने शुरुआत हो रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा अपना हथियार भी है बीमारी से बचने के लिए। तो मेरे सभी जनता से अपील रहेगी, जो भी पात्र हैं वो जाके जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं अपना। क्या अच्छी समझ नहीं पाया सवाल? टीका केंद्र हमारी सारी सरकारी संस्थाएं हैं, 50 से ऊपर सरकारी संस्थाओं में हो रहा है। साथ में जैसा मैंने बताया, हम कुछ प्राइवेट निजी चिकित्सालयों को भी अनुबंध कर रहे हैं, वहां से भी ये निःशुल्क लगाया जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।